राम राम सारे भाई ने आज मेरे 75 आवर चैलेंज का 82वां दिन। सबसे पहले मैंने सुबह उठकर 1 लीटर गर्म पानी पिया, उसके बाद फिर फ्रेश होकर मैं चल दिया वर्कआउट करने के लिए। सबसे पहले मैंने 10 मिनट की पीटी, उसके बाद फिर मैंने किया थोड़ा वार्म अप, उसके बाद फिर मैंने मारे स्पाटे। आज मैं चेस्ट का वर्कआउट करूंगा। सबसे पहले मैंने मारी डिप्स, उसके बाद फिर मैंने मारी इंक्लाइन पुशअप, उसके बाद फिर मैंने मारी डिक्लाइन पुशअप, के बाद फिर मैंने डंड मार के मैंने आज का मॉर्निंग का वर्कआउट किया खत्म। उसके बाद फिर नहा धोकर खाना खाकर उसके बाद फिर अपने घर के जरूरी काम कम्प्लीट करके फिर मैं चल दिया अपना शाम का वर्कआउट करने के लिए। सबसे पहले मैंने मारे स्पाटे, उसके बाद फिर मेरे को वर्कआउट करता हुआ देखकर वहाँ पर हमारा डॉगी भी आ गया था और वो भी मेरे साथ मस्ती करने लगा था। और दोस्तों यह एक फीमेल डॉग है तो इसका हमने नाम दे रखा भाई काली। उसके बाद फिर मैंने मारे डंड, उसके बाद फिर मैंने घर पर किया मैंने शोल्डर का वर्कआउट। सबसे पहले मैंने शोल्डर का पहला वर्कआउट किया, शोल्डर प्रेस 12 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद फिर भाई मैंने शोल्डर का दूसरा वर्कआउट किया, शोल्डर फ्रंट रेजिस 12 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद फिर मैंने शोल्डर का लास्ट वर्कआउट किया, शोल्डर साइड रेजी 12 रेपिटेशन के 4 सेट। उसके बाद फिर मैंने आज का शाम का वर्कआउट किया खत्म। उसके बाद फिर मैं आया घर, घर पर आकर मैंने नहा धोकर खाना खाकर उसके बाद फिर मैंने पढ़ी गीता। आज जब मैंने गीता में सीखा, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। उसके बाद फिर मैंने किया पानी का टास्क कम्प्लीट। ये रही आज की सेल्फी। आज के हमारे सभी टास्क कम्प्लीट। बोलो जय श्री राम।